लॉर्ड हिमेश, अ गुड म्यूजिक कंपोजर, जब राइटिंग प्रोडक्शन और डायरेक्शन करता है तो बनाता है। लेकिन 20 साल पहले जब एक और अच्छे म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज ने राइटिंग प्रोडक्शन और डायरेक्शन किया, तब उन्होंने बॉलीवुड को दिया एक बैडएस कल्ट मूवी, दैट इज मकड़ी, असली ओजी हॉरर। वो एकमात्र मूवी जिसने सारे मिलेनियल्स का कलेजा फेफड़ों से होते हुए जबड़े से बाहर निकाला। वो एकमात्र मूवी जिसने डर, दहशत और हिम्मत तीनों फैलाई। वही एकमात्र मूवी जो उंगली दबा के अंगूठा बना के टैव टैव कर देगी और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी सारा अच्छा माल तो इसके बाद में आया ना ब्रो। सबसे पहले तो यही थी जिसको देख के कचरा सेठ भी बोले कड़क है, क्योंकि भाई मेरी तो बचपन की सबसे पहली सेट ऑफ फेवरेट मूवीज में से ये एक है। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, मुझे कमेंट्स में बताना और आज वीडियो याद से शेयर कर देना। बट बिफोर वी बिगिन, मैं एक जरूरी बात बताना भूल गया था, तो हियर इट इज। हमारे मर्चेंडाइज वेबसाइट दी और प्राणी पे हमने रिसेंटली अपना छोटा सा विंटर कलेक्शन लॉन्च किया है। क्वालिटी एज ऑलवेज तगड़ी है, प्रोडक्ट्स एज ऑलवेज अगेन मेरे फेवरेट हैं, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो, आई वुड जेन्युइनली लाइक दैट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सीतापुर से, जहां एक मुर्गी चोर मुर्गी चुरा के भाग रहा होता है ऑब्वियसली, और उसके पीछे पीछे भागा आधा गांव, क्योंकि ये हर किसी के यहां से कुछ ना कुछ चुरा चुका है। लेकिन चोर भाग के घुसा भूतिया हवेली में, और ये हवेली गांव के किसी विधायक की नहीं, ये परमानेंट एड्रेस है मकड़ी चुड़ैल का, और जो भी आज तक अंदर गया कभी बाहर नहीं आया। क्योंकि मकड़ी चुड़ैल वेरी एक्सक्लूसिव प्राइवेट मैजिक शो करती है, बोले तो इंसान जो एक सोशल एनिमल है उसको ये चुड़ैल तंत्र मंत्र फूंक के मुर्गी बकरी कुत्ते एक्सेट्रा जैसे जानवर में कन्वर्ट कर देती है, साबुत का साबुत। एंड दैट इज व्हाई इस बेचारे चोर को पकड़ने कोई अंदर नहीं जाएगा, पुलिस भी नहीं। बट होल्ड योर मुर्गी, बिकॉज नाउ एंटर्स अपनी लीड चुन्नी और मुन्नी, ट्विन सिस्टर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द बॉलीवुड रूल बुक पेज 36 सेक्शन 555, हर ट्विन कैरेक्टर में एक होगा छिछोरा, बदमाश, स्ट्रीट स्मार्ट और हरामी, और दूसरा पढ़ाकू, भोला, बुक स्मार्ट और शरीफ। तो यहाँ मुन्नी इज डरपोक चूहा, या मतलब शरीफ, काफी शरीफ, और चुन्नी मुन्नी के बीच बस एक दिल का फर्क है। ये चुन्नी ने लगाई बिंदी और बन गई मुन्नी, सी इट्स दैट इजी, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल कि ये तिल मुंह पे ही है, यू नो। डिस्गस्टिंग, और शट अप बॉय, काहे का डिस्गस्टिंग भाई, मूवी में बच्ची थी, ठीक है अब तो बड़ी हो गई है। काफी बड़ी हो गई है। इसके हिसाब से तो ठीक है ना भाई, रब ने बना दी जोड़ी में, तो शाहरुख ने बिल्कुल सही किया था। आई मीन मूछें तो तिल से कितनी बड़ी होती है। गुड जॉब शाहरुख, गुड जॉब। मेंशन नॉट जी। हाँ जी, तो ये चुन्नी आई और बोली, कठिनाइयों से डरते हो, चलो मेरे पंडर लोग, मैं लेके चलेगी तुमको अंदर। तो ये सारे बोले, जुन बना के चलो, जुन बना के चलो। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल है ब्रो, धपाक के पकड़ा मुर्गी चोर को और ये चीखा चिल्लाया, इसके टट्टे जाम हो गए और चीखों की आवाज सुन के बाहर वालों का मुंह निकल गया, तो सारे भागे और चुड़ैल ने किया अपना तंत्र मंत्र एंड बूम, मुर्गी चोर बन गया बकरी। तो ये चमत्कार देख के सब अपने अपने घर चले गए, अब क्या ही करेंगे, है ना। तो रात को डिनर के बाद एंट्री हुई चुन्नी के दोस्त मुगले आजम की, जो रोज रात को यहाँ पे आता है अपनी भूख मिटाने। ah, fucking hell, that came out wrong, so wrong. I meant literal भूख यार, पेट वाली, क्योंकि इसका बाप कल्लू कसाई अपराधी सेडिस्ट है। I mean, जब ये नवजात शिशु था तो इसको अडॉप्ट किया जस्ट सो दैट बड़ा होने के बाद मुफ्त में अपने कसाई खाने का काम करा सके, और छोटी छोटी बातों पे साला इसको खाना नहीं देता। बच्चों करने वाला चीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? उल्टा अपना बच्चा छोड़ के ऑब्सेस्ड है मुर्गियों से, नहीं बंदे ने लिटरली मुर्गियों का आइटम नंबर बना डाला ब्रो। उस तरह से नाए, चाकू से कसाए, काटना तो क्या करेगा भाई। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी मुगले आजम अपने बाप से बहुत प्यार करता है। अपने बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाने वाले पेरेंट्स मारे जाओगे एक दिन। तो चुन्नी मुन्नी और मुगले आजम सभी एक क्लास में पढ़ते हैं, और इनको पढ़ाता है अपना दरोगा मंगनी राम। टोटल फैमिली बिजनेस सर, ईमानदारी से मेहनत सर। तो अब ऐसा है कि अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारे स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर रहा होगा जो हर टीचर के सामने नंगा नाच करके उनको कतई इरिटेट कर डाले। एक स्टूडेंट ऐसा रहा होगा जो जबरदस्ती का होमवर्क मांगे। एक ऐसा रहा होगा जो कभी कोई काम ना करे। एक ऐसा जो चपरासी
फांसी तक को ना बख्शे, और एक ऐसा जिसको स्कूल में पटाखे फोड़ने का शौक हो एज इफ उसका बाप बैठ के उनमें बारूद भरता हो। तो अब इन सारे स्टूडेंट्स को एक में कंबाइन करो तो वो बनेगी चुन्नी। इसलिए एक दिन स्कूल के बाद जस्ट लाइक नॉर्मल मंथ स्कूल किड्स, मुगले आजम और चुन्नी भूतिया हवेली के सामने बकचोदी करने चले गए। बड़े हरामी बच्चे यार। एक मेरा बचपन था, सीड्स नहीं खाता था, पेट में पेड़ उगने लगेगा सोच के, और ये चुड़ैल के घर के सामने तांडव कर रहे हैं। मतलब क्या बकचोदी पेड़ ने बताओ, इतनी हिम्मत भी ठीक नहीं है भाई। क्योंकि बकचोद चुन्नी ने फेंका बॉल जो लगा कल्लू का साइको और वो साइकिल से गिर गया। तो कल्लू ने गली क्रिकेट की दुश्मन आंटी से इंस्पायर होकर बॉल फेंक दी हवेली के अंदर। तो ये बेचारा मुगले आजम का कुकुर अलादीन ये भी बॉल के पीछे पीछे अंदर भाग लिया। अलादीन ना समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया। और बस चुन्नी और कल्लू कसाई की राइवलरी शुरू। तो अलादीन का बदला लेने के लिए चुन्नी और मुगले आजम ने एनिमल एक्टिविस्ट बन के कर दिया कल्लू की सारी मुर्गियों को आजाद। चूतिया साला, नीचे सांप को पाल रहा था। तो अब कल्लू की बारी बदला लेने की, लेकिन ये ठहरा सेडिस्ट अपराधी, तो साला आरी लेके निकल लिया बच्ची को पेलने। लेकिन यू नो इनो भी 6 सेकंड में काम करता है भाई, और ये चुन्नी तो 2 सेकंड में आइडेंटिटी चेंज कर लेती है तिल लगा के। तो अब कल्लू मुन्नी को चुन्नी समझ के उसको हलाल करने भागेगा। बट मुन्नी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो भागते भागते घुस गई मकड़ी चुड़ैल की हवेली में। मुन्नी चुड़ैल घर में घुस गई है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी न्यू She fucked up. भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, जब इस पूरे गांव में सबको पता है कि ये हवेली सेफ नहीं है, तो गलती से भी लोग इसमें कैसे घुस जाते हैं? और जब घुस ही रहे हैं तो कुछ बोर्ड लगा दो या बाहर से ताला लगा दो भाई, कौन सा चुड़ैल खुद आके बाहर खोलेगी? और चलो खोल भी लिया तो दोबारा लगा देना, बिग डील। बट अफसोस इट्स टू लेट नाउ। तो चुन्नी निकली गांव में सबसे हेल्प मांगने, जिससे उसकी बहन को जानवर परिवर्तन से बचाया जा सके। लेकिन सबकी फटी पड़ी है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बकायदा पुलिस तो प्रॉमिस करने के बाद भी नहीं आई भाई। तो अब तुम सोचोगे कि चुन्नी मुन्नी के पेरेंट्स कहाँ गए? वेल, माँ जी आर पी इन पीस हो चुकी हैं, पापा 4 दिन के लिए शहर गए हुए हैं, और एक दादी है जिसकी आंखें खराब है, मतलब बहुत खराब है। ये छाछ तो पानी सा लागे, क्योंकि ये पानी है छाछ नहीं। तो जब किसी ने साथ नहीं दिया, चुन्नी हिम्मत जुटा के अकेले घुस गई हवेली में। लेकिन अफसोस, चुड़ैल तो मुन्नी को मुर्गी बना चुकी है, बट सरप्राइजिंगली चुड़ैल तो बड़ी एक्सट्रोवर्ट निकली ब्रो। चिल मार के लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस कर रही है, अपनी जवानी के दिनों के बारे में बता रही है। तो बातों ही बातों में चुड़ैल बोली, मुर्गा चाहिए मेरे को। तो इसी बात पे इनकी हुई एक डील, 100 मुर्गी लाके दे, तेरी भेड़ को वापस इंसान बना दूंगी, और अगर किसी को बताया तो पूरे घर को शमशान बना दूंगी। तो अब चुन्नी की स्ट्रगल शुरू, यू नो लाइक रोज घर वालों के सामने डबल रोल, गांव वालों के सामने डबल रोल, दिन भर अपनी मुन्नी मुर्गी की रखवाली, फिर रात को मुर्गी चोरी, और स्कूल में गए तो PTSD। तो कुछ 8 मुर्गी और खुद की मुर्गी लापता लेटर इसने फाइनली मुगले आजम को बताया पूरा किस्सा। तो फिर क्या, अपने बाप के लिए इतने प्यार के चलते ये दोनों सारी मुर्गी लेके निकल पड़े लास्ट EMI चुकाने। लेकिन ऐसे कैसे? तो रास्ते में मिला दरोगा मंगनीराम, और ये भाई साहब विज्ञान पढ़ाते हैं, तो इनके ज्ञान के अकॉर्डिंग ये चुड़ैल वगैरह अंधविश्वास है। तो आज प्रैक्टिकल के नाम पे हवेली में अकेले चले गए अपनी थीसिस प्रूव करने, एंड बूम, चुड़ैल ने बना दिया कुत्ता। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम वलंडर हो गया। तो मंगनी राम को बचाने गई चुन्नी, लेकिन चुड़ैल ने पकड़ाया कुत्ता और बोली, अब 100 मुर्गे नहीं 100 बकरे चाहिए। तो चुड़ैल की बढ़ती डिमांड से परेशान मास्टर जी को उठा के लाई चुन्नी बाहर। बट प्लॉट ट्विस्ट, ये कुत्ता तो अलादीन है। तो अब चुन्नी एंड टीम को समझ आया कि ये कुत्ता मंगनी राम नहीं है, वो मुर्गी मुन्नी नहीं है, तो वो बकरी मुर्गी चोर नहीं है, एंड हेंस प्रूव्ड ये चुड़ैल शबाना आजमी नहीं है, चुड़ैल नहीं है, ढोंगी है साली। तो दोनों फिर से घुसे हवेली के अंदर तहकीकात करने, लेकिन शबाना आजमी दिखी तो फटने लगी कि तभी पीछे से आई सीतापुर की निकम्मी पुलिस। चलो किसी मूवी में तो टाइम पे पहुंचे। तो पुलिस को देख के चुन्नी एंड टीम के सांस में सांस आई। बट एक और प्लॉट ट्विस्ट, ये दोनों पुलिस वाले तो चुड़ैल के आदमी है, लाइक लिटरली चुड़ैल इनकी मौसी है, नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। तो हुआ यूं कि चुड़ैल का पति था आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, और उसने पता लगाया कि इस हवेली के नीचे पुरानी मूर्ति है जिसकी इंटरनेशनल बाजार में सालों से कीमत है। लेकिन पति अलग चूतिया था, उसको मूर्ति निकाल के खाली नाम कमाना था। ये बेचारी बोली, खोद के बेच देंगे तो पैसा ही पैसा होगा।
लेकिन बेवकूफ नहीं माना तो फिर क्या? जब तक ये बात वो सरकार को बता पाते, मौसी ने मौसा को ही। तो वो दिन है और आज का दिन है, जो भी हवेली में आता है उसको टनल में गिरा के खुदाई के काम पे लगा दिया जाता है बिना पगार के, यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए। और बाहर गांव वाले तो अंधे लोग हैं ही, और पुलिस वाले रिश्तेदार, फूल प्रूफ प्लान है ब्रो। तो अब इनको भी पकड़ के बाकी गांव वालों के साथ काम पे लगा दिया जाता है। लेकिन अब बच्चे लापता है तो कुछ तो हंगामा होगा ही ना, तो गांव वाले ने लगाई पंचायत। अबे अमेज़न प्राइम पे नहीं भाई, 2002 की पिक्चर है यार, क्या कर रहे हैं। गांव वालों ने इकट्ठा होके करी पंचायत, तो ये चूतिया पंडित बोला, अब हमें काली के मंदिर में बलि देनी होगी। क्यों? क्योंकि आज तक जो भी उस घर में गया कभी वापस नहीं लौटा। और तभी कल्लू को दिखा अलादीन, तो इसने गांव वालों को बताया कि भैया ये हीरो आया वहां से बाहर। लेकिन गांव वाले अखंड चूतिए हैं, साले हंसने लगे। मीन वाइल यहाँ खोद खोद के इन लोगों ने फाइनली ढूंढ ली मूर्ति। तो ये लालची औरत अपने रिश्तेदार, पार्टनर इन क्राइम पुलिस वालों को भी एक पैसा नहीं देना चाहती, तो खड्डे में डाल के भग गई। बट गेस व्हाट, गांव वाले सारे चूतिए हैं, तो कल्लू कसाई अकेला आया हवेली में जस्ट इन टाइम, और इसके हाथ लगी ये औरत और राड़ा शुरू। Meanwhile, इस टनल में सब के सब एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के चुन्नी को बाहर निकालते हैं। एक सेकंड, भाई इसके आने से पहले भी ट्राई कर सकते थे, नहीं क्या मतलब मेन कैरेक्टर का वेट करते, हद होती है यार, बड़े चूतिए हो यार, कैसे चलेगा, फक इट। तो जिस तरह चुड़ैल सबको टनल में गिराती थी, चुन्नी ने भी इसको टनल में गिरा दिया। अच्छा तो सही बोलते हैं लोग, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उसी खड्डे में गिरता है। हाँ, नाउ इट ऑल मेक सेंस, आई गेट इट। और वो जिस तरह चुन्नी मुन्नी की हो गई हैप्पी एंडिंग, और हम कच्छों में खेलते बच्चों को मिला खौफ, मकड़ियों का, खाली हवेलियों का, ड्रेडलॉक्स वाले लोगों का। बट स्ट्रेंजली डोंट यू थिंक जितना खौफ आया उतनी ही चुल भी आई किसी खाली हवेली में जाके इन्वेस्टिगेशन करने की, तहखाने ढूंढने की? नहीं, मुझे तो बड़ी इच्छा होती थी ब्रो। बट एनीवे, अब मूवी कमर्शियल हिट तो नहीं हुई, बट श्वेता को बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड जरूर मिल गया, और अब तो एंड काफी बड़ी हो गई है। है ना सर जी, कितना गंदा आदमी है, मुन्नी का नाम खराब कर रहा है। तू राम के भगत, एक मिनट ठहर। मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड वेल अब क्या ही बताएं, मुझे तो बड़ा मजा आया था इस मूवी को देखते देखते बचपन में, तुम्हारा पता नहीं है। तो लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस मूवी नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वार्तालाप चलती रहनी चाहिए। होय आंसू थक गया, वैसे 3 बज गए, बैक टू बैक रिकॉर्डिंग सारी, हरिओम नहीं होती यार।